अब मैं बता दूं कि मेरा रिजल्ट क्या आया। ये क्या रिजल्ट होता है? कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज की वीडियो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है आप लोग के लिए, क्योंकि भाई हमारे पेपर हो रहे थे, तो उसके बाद मैंने आप लोग को अपना रिजल्ट नहीं बताया। हमारा रिजल्ट कब से आया हुआ है लेकिन बताया ही नहीं है मैंने। बताते हैं आप लोग को मेरी किस डेट को रिजल्ट आया था और मैंने अभी तक आप लोग को रिजल्ट का ही नहीं बताया। तो ये आज की वीडियो में आप लोग को हमारे रिजल्ट पता चलेंगे हमारे क्या आए। तो बस स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आप लोग को बताती हूँ हमारे रिजल्ट क्या है। रिजल्ट आया है 31 मई को, मेरा रिजल्ट आया था और आज मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरा क्या रिजल्ट आया है। अब मैं बताती हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या आया। ये क्या रिजल्ट आया बताती हूँ मैं। तो भाई मेरी आई है फर्स्ट पोजिशन आई है मेरी, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और मैं नंबर से बताती हूँ आप लोग का मेरे किन सब्जेक्ट में क्या क्या है नंबर। देखें ये मेरा ही कार्ड है और मैं बताती हूँ कि मेरे क्या है नंबर, असली बताऊँगी। तो खोलते हैं पहले। तो इंग्लिश में आए हैं मेरे 80% आई इंग्लिश में, और मैथ मुझे बहुत बुरा लगता है और मैथ में मेरे बहुत कम आए, सही है ना, 69 आए। और साइंस में मेरे आए 80, और सोशल स्टडीज़ में आए मेरे 77.5, और उर्दू में आए 95.7, इस्लामियत में आए 97.5, और सिंधी में मेरे सबसे अच्छे आए 99, बस एक नंबर की कमी है। मैं बताती हूँ मेरे लिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है रीड डिस्प्ले एक्सीलेंट फोकस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, विंगली टास्क ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंसिस्टेंटली कंप्लीट टास्क, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ थॉट कॉन्सेप्ट इज रिकमेंडेड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। तो भाई ये सब कुछ मेरे लिए लिखा हुआ है। और मैं बताती हूँ तो भाई मैंने पेपर जब मेरे हो रहे थे तो मैंने क्यों छोड़ा था वीडियो वगैरह, मैं इसलिए छोड़ा था ताकि मैं थोड़ी अपने फोकस ले सकूँ स्टडीज पर। मुझे मतलब बहुत शौक है पढ़ने वगैरह का, तो मैं हर दफ़ा तो वैसे वीडियो नहीं बनाती थी, इस साल ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। तो जब मेरे पेपर उड़े थे तो मैंने वीडियो वगैरह बनाना ख़त्म कर दी थी इसलिए। तो अब देखें मैं फर्स्ट आ चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ अहमद क्या आया, अहमद का रिजल्ट आप लोग को मैं बताती हूँ अभी। देखें ये देखें लिखा हुआ यहाँ पर फर्स्ट रैंक, बताना तो मैं नंबर में तो बहुत। तो मैं बता दूं, इंग्लिश में मेरा आए 75, मैथ में मेरा आए 90, सोशल साइंस में मेरा आए 70, उर्दू में आए मेरी 94.28। भाई मैं आया हूँ तो भाई तो भाई मैं आया हूँ 9। अहमद 9th आया, लेकिन भाई अहमद के लिए अच्छा है ये भी, अभी भी आके अहमद और अभी अहमद ने तो अभी तो अहमद छोटी क्लास में, और अहमद अभी आगे जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा अगर अहमद मेहनत करेगा तो। तो भाई कोई बात नहीं, अहमद 9th आया, अगली बार इंशाल्लाह अहमद भी फर्स्ट जाएगा। और सैड नहीं होना चाहिए अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा है लेकिन और इससे अच्छा हमें करना चाहिए, जैसा भी आया इससे और अच्छा आना चाहिए। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, मैं पिछले जब मिड टर्म मेरे हुए थे तो मैं आई थी 2nd, तो मुझे था कि मैं फ़र्स्ट आना था इस दिन, मुझे उस दफ़ा भी, लेकिन इस दफ़ा मैं आई हूँ फर्स्ट। और मेरे 2nd में बता रही तो मेरी क्लास से कौन आए, 2nd मेरी आई है दोस्त आई है मेरी मुकद्दस, और 3rd आई है हमारी क्लास का लड़का है वो भी कमलेश, और अहमद की क्लास से 3 एक गर्ल्स आई हैं। मैं बताओ कौन कौन से आई हैं, किस्सा फर्स्ट, 2nd किस्सा, फर्स्ट कौन थी? A few moments later. मानूर फर्स्ट, मानूर है 2nd, किस्सा है 3rd, हरमीन है। 3rd हरमीन जी। तो आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के, और हमारे आप लोग को पता चल गया है कि हमारा क्या रिजल्ट आया था। तो आई होप आपने इंजॉय करी होगी हमारी वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और अब हम आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।